जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में मैं कवर करूंगा कि पेंशन बंद होने का खतरा 20 फरवरी तक। आर्मी हेडक्वार्टर, इस बार आर्मी हेडक्वार्टर ने की एडवाइजरी, पेंशनर्स रहें सावधान, कर ले ये काम। ओआरओपी पर घोर निराशा, आखिर एरियर कब होगा क्रेडिट, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं इस एडवाइजरी की जो कि आर्मी हेडक्वार्टर से निकली है सभी पेंशनर्स के लिए, बैंक के लिए, सीपीपीसी के लिए और हर जगह की। इसको आप इसको प्रचार करिए, इसको फ्लैश करिए, नहीं कम से कम 4.5 लाख लोगों की पेंशन हो जाएगी अगले महीने बंद। बिल्कुल ध्यान दें, समझें और यदि काम नहीं किया है तो जरूर करें। दोस्तों बात कहता हूं, बिल्कुल लिखा है इंटीग्रेटेड आर्मी हेडक्वार्टर एडजुटेंट जनरल ब्रांच एडिशनल डायरेक्टर जनरल MP8 वेस्ट ब्लॉक आरकेपुरम न्यू दिल्ली 18 जनवरी 2023, यानी आज से 3 दिन पहले। ऑल हेडक्वार्टर कमांड्स सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS KSB ऑल रिकॉर्ड ऑफिस सब के लिए किया है। हेडिंग है सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट बाय पेंशनर्स। हाँ जी, कईयों के कुछ मैसेज आ रहे हैं, जरा ध्यान दें। इट इज मेंशनड दैट सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट By pensioners has emerged as a major challenge after implementation of ISPRS. यानी ISPRS जब से implement हुआ है, आपको life certificate करना एक बहुत बड़ा challenge है, बहुत बड़ा risk है, क्योंकि ISPRS भी पूरी तरह function में नहीं। Approximate 4.5 lakh pensioners are yet to submit their life certificate. अभी तक 4.5 लाख लोगों के life certificate नहीं गए। ये मत समझना कि हमने अंगूठा दबा दिया हो गया, 4.5 लाख लोगों के लाइफ सर्टिफिकेट अभी नहीं पहुंचे हैं। ये लेटर है 2 दिन पहले का, जरा ध्यान देना। इन केस द सेम इज नॉट सबमिटेड बाय 20 फरवरी 2023, रिमिटेंस ऑफ मंथली पेंशन माइट गेट अफेक्टेड। यदि आपने 20 फरवरी तक ये काम नहीं किया तो आपकी पेंशन प्रभावित होगी, बंद हो सकती है। सीधा सीधा लिखा है टू फैसिलिटेट पेंशनर्स, ध्यान रहे PCDA has made arrangement to obtain life certificate through bank for importing into ISPRS. Bank को भी निर्देश दे दिए हैं कि ISPRS से नहीं हो रहा है तो आप इनका life certificate accept कीजिए और ISPRS पर आप upload करिए। In the connection a copy PCDA letter number so and so 13 October 2022 enclosed here with. 13 October 2022 को एक advisory जो bank और CPPs के लिए जारी हो चुकी है, तो bank की भी जिम्मेदारी है कि जो पेंशनर्स आपके पास आता है उसका आप लाइफ सर्टिफिकेट लीजिए और अपडेट करिए। पेंशनर्स में प्लीज बी एडवाइज, पेंशनर्स के लिए आर्मी हेडक्वार्टर रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइज कर रहा है टू विजिट बैंक एंड सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट एज वाज बीइंग डन बिफोर। इस सब से, इस चीजों से होने से पहले आप बैंक में जाइए, अपना लाइफ सर्टिफिकेट द्वारा दे सकते हो। फॉर फर्दर डिसमिनेशन टू ऑल कंसर्न वाइड पब्लिसिटी थ्रू जिला सैनिक बोर्ड, CSD कैंटीन, ECHS, पॉलीक्लिनिक, ESM सेल एंड अदर पॉसिबल मीन्स प्लीज। ये हैं अलागू कर्नल MP8 के, देखो कितनी पैरा फोर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको हर जगह इस नोटिस को बना के चिपका दो, सोल्जर बोर्ड में चिपका दो, जिला सैनिक बोर्ड में चिपका दो, कैंटीन के बाहर चिपका दो, ECHS के बाहर चिपका दो, ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल चुके, नहीं 20 फरवरी में आप हाथ मलते रह जाओगे, आपकी पेंशन आपके खाते में नहीं आएगी। ये मेरी चेतावनी नहीं है, ये एडवाइज है और आपसे सबसे विनम्र निवेदन है, यदि इतना बड़ा रिक्वेस्ट आर्मी हेडक्वार्टर से है तो आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको समझ में आ जाए, नहीं मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं इसके बारे में और जानकारी दे सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। वन रैंक वन पेंशन पर घोर निराशा, जवानों की अनदेखी। हाँ जी, इस पे एक ट्वीट चल गया, आप देख सकते हो, उसमें लिखा है देर आर सीरियस एनोमलीज इन द टेबल CSM फर्दर डाउनग्रेडेड डीग्रेडेड यूनाइट रेच यूनाइटेड वॉइस ऑफ द जस्टिस ऑफ सोल्जर। हम सोल्जर्स के लिए लड़ते रहेंगे, ये अभी वार चल गया है ट्विटर के ऊपर। और ये बात होती है कि मिला क्या, किसको मिला, कितना मिला, ये आप समझ चुके होंगे। टेबल नंबर 7 ही मेन आधार है आपकी, इसी से सारी चीज तय होती है। आपकी डिसेबिलिटी पेंशन है, आप और किसी प्रकार के पेंशन है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि पेंशन रिवीजन में JCOs को, जवानों को क्या फायदा हुआ है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। बस बात एक, जिसको भी हुआ है उसका एरियर कितना बनेगा और कब क्रेडिट होगा, इसके ऊपर बात चल रही है। सरकार से
माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि इसको कम से कम एक मुश्त दे दीजिए, किसी के काम आएगा। यदि आप चार छमाही किस्तों में देगो तो इसका कोई मतलब नहीं है कि हम रोडों पे घूमे, सुप्रीम कोर्ट में गए, इतनी आपने इतना सारी सोसाबाजी हुई लेकिन निकला कुछ भी नहीं। जवानों के बारे में एक बार जरूर सोचिए, वैसे भी पीएमआर वाले से वंचित आपने कर दिए। और दोस्तों मैं दोपहर में कोशिश करूंगा कि आपका एरियर कैसे कैलकुलेट आपने करना है, एरियर कितना बनेगा उसको मैं बोर्ड पर समझाने की। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।